आज तक की एंकर ने किया एल्विश के पिता का इंसल्ट, कहा आप कभी अपने बच्चे के बैंक अकाउंट को चेक नहीं करते। वेल, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। एल्विश यादव इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एल्विश यादव को न्याय के हिरासत में लिया गया है और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। एल्विश यादव को जहरीली सांपों के जहर के तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है और उन पे कई सारे संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। कई सारे आरोप में ये भी है कि वो सांपों के जहर का सप्लाई रेव पार्टी में करवाते थे, लड़कियों को वो लाकर डांस करवाते थे और काफी सारे आरोप उन पे लगे हैं जिन्हें एल्विश और उनका परिवार सिरे से नकार रहा है। अब एल्विश यादव जेल में है और काफी परेशान है और बाहर उनकी फैमिली एल्विश को लेकर बेहद भावुक है। हाल ही में एल्विश यादव के माता पिता कई सारे न्यूज चैनल्स में इंटरव्यू देते नजर आए और अपने बेटे को बेकसूर बताते भी दिखे। इस दौरान एल्विश यादव के माता पिता बड़े न्यूज चैनल आज तक पर भी पहुंचे, जहां पर आज तक की एक एंकर ने उनके पिता का इंसल्ट कर दिया और जिससे लेकर अब फैंस का गुस्सा चैनल पर भी फूट पड़ा है। दरअसल न्यूज एंकर ने एल्विश यादव को पूरे तरीके से गुनहगार समझते हुए एल्विश के पिता से कहा कि आपके बेटे ने गुनाह कबूल कर लिया है, सांपों की तस्करी करता था, लग्जरी लाइफ जीता था, उसके बैंक अकाउंट में बाहर से पैसे आते थे, भर भर कर पैसे आते थे, आप क्यों नहीं उसके अकाउंट को चेक करते थे। तो इस पर एल्विश के पिता कहते हैं कि मैडम मैं उसके अकाउंट को चेक भी करता था और कोई बाहर से पैसे नहीं आते थे। इसके बाद जो एंकर थी वो और भी ज़्यादा नाराज होती गई और चिढ़ कर गुस्से में एल्विश के पिता से सवाल करती नजर आई, कहती दिखी कि एल्विश का कितना, एल्विश की कमाई यूट्यूब से होती है, आपका घर यूट्यूब से चलता है। जिस पर एल्विश के पिता कहते हैं कि मैं एक टीचर हूँ और मेरा घर उसकी कमाई से नहीं चलता। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंकर और कहती है कि अच्छा ठीक है, तो बताओ कि एल्विश का इनकम क्या है, उसको यूट्यूब से कितने पैसे मिलते हैं और वो जो महंगी गाड़ियाँ लेकर घूमता है वो सब कहाँ से आई। तो इस पर एल्विश के पिता कहते हैं कि एक फॉर्च्यूनर है हमारे घर में जो कि लोगों के पास तो होती है। और उसके बाद एल्विश के पिता जब जवाब दे नहीं पाए और एंकर सवाल पर सवाल करती देखी, तब एल्विश की माँ बोलती हैं कि जब एल्विश आएगा तो आप उसके इनकम के बारे में एल्विश से ही पूछ लेना, और जो आप लग्जरी की बात कर रही हैं, हमें देखकर आपको क्या लगता है कि हम कैसी लग्जरी लाइफ जीते हैं और क्या हमने कपड़ा पहना हुआ है, हम एकदम साधारण से लोग हैं और हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारा बेटा गुनहगार नहीं है, बेकसूर है और जो भी इल्ज़ाम उस पर लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। ऐसे में अब जो फैंस हैं उनका गुस्सा भी टीवी चैनल पर फूट पड़ा है और वो उस एंकर की लताड़ लगाते नजर आए हैं। वेल, आपको बता दें कि एल्विश यादव के माता पिता बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं, अपने बेटे को लेकर बस वो यही गुहार लगाते नजर आ रहे हैं फैंस से भी कि जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी चीज़ें न्यूज़ में आ रही है उसे आप सच ना माने, और फिलहाल हम यही चाहते हैं कि एल्विश को आपका फुल सपोर्ट मिले जिससे कि वो जेल से बाहर आ सके। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर और क्या आपको भी लगता है कि इस तरीके से न्यूज़ चैनल को किसी परिवार वाले के साथ इतना गंदा व्यवहार करना ठीक है? हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं।